हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। टॉपिक के एक न्यू चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास टेंथ का है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिस्कस अबाउट द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मतलब क्या होता है? ए सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। ओके, मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जो कि हम डिफरेंट ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं तो सीक्वेंस कहलाता है। जैसे हम बात करें नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट भी हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर का सेट क्या कहलाता है? हमारा सीक्वेंस, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो चल रहा है तो एक ऑर्डर है। 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 में 1 ऐड किया तो क्या हुआ? 4। इस तरीके से हमने क्या किया, देखा कि नंबर भी एक फिक्स रूल्स को, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा क्या बना, सीक्वेंस बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द नंबर आर डिनोटेड A1, जिसे हम अगर किसी भी पहले नंबर को A1 से डिनोट करें, दूसरे नंबर को A2 से, तीसरे को A3 से, तो A1 इज कॉल्ड, तो हमारा A1 क्या होता है? A1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, मतलब उसको सिंपली ए से भी डिनोट कर सकते हैं। और A2 अगर है तो हमारा क्या है? दूसरा टर्म है। ठीक है, A3 क्या है? हमारा तीसरा टर्म है। ओके, इस तरीके से हम ये समझ गए कि नंबर हमारा क्या होता है, उसको टर्म T1 T2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, T1 T2 T3। ठीक, तो चाहे हम A1 A2 से रिप्रेजेंट करें, चाहे T1 T2 से रिप्रेजेंट करें, चाहे कैपिटल T1 कैपिटल T2 से रिप्रेजेंट करें, तो बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, अब बात आती है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म, ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट, इज कॉल्ड द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे हम बात यहाँ पे करते हैं कि कोई भी दो टर्म हम ले लिए, जैसे 1 लिया 2 लिया और 3 लिया। ठीक है, अब देखो कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या है, पहले के बाद फर्स्ट के बाद सेकेंड आया, सेकेंड थर्ड आया, तो 2 में से 1 निकाला और 3 में से 2 निकाला, तो दोनों के बीच जो कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस है, मतलब 1 फर्स्ट हमारा पहला है, कॉन्सिक्यूटिव में जस्ट उसके आगे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, सेकेंड के बाद क्या आएगा? थर्ड आएगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यही हमारा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। अगर वो कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा वो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस जैसे हम कहते हैं A1 है, A2 है, A3 है, हमने 3 टर्म लिए, अगर पहले दूसरे और पहले का बीच का अंतर, मतलब A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, मतलब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, और हर जगह अगर मान लो A4 भी है तो A4 में से हमने A3 निकाला, फिर भी वो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, तो कहलाएगा कि हमारा ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो ए सीक्वेंस इन हिज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज ए कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई होप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गया। जैसे हमने कहा 2 है 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है। अब यहाँ में देखो सब में बीच में अंतर देखो कितना आ रहा है, अगर हम देखें बात करें इसके अंतर की, तो 2 में 5 जोड़ा गया तो कितना आया? 7। 7 में 5 जोड़ा गया तो कितना आया? 12। 12 में 5 जोड़े तो कितना आ गया? 17। फिर अगला टर्म क्या होगा? 17 में जब 5 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 22। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है डी बराबर कितना है? 5 है। कैसे मिला 5 हमें? हमको 5 मिल गया कि जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो हमें मिला का 7 - 2। 7 - 2 इक्वल टू कितना मिला? 5 मिला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये समझ गए कि हमारा कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जो प्रिसीडिंग सक्सेसिव टर्म होता है उसमें से हम प्रिसीडिंग टर्म, मतलब An+1 - An अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? D आता है। ओके, जैसे हमने A2 - A1 किया तो हमें क्या मिला? D मिला। या A3 - A2 किया तो क्या मिला हमें? D मिला। ओके,
तो यही आगे हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ए पी। अब यहाँ पे हम कुछ सीक्वेंस हमने लिखा हुआ है, अब इसमें आप देखें कि ए पी में है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 24 दिया है। अब यहाँ पे देखो 3 में कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया तो कितना आ रहा है, 6। 6 में हमने कितना मिला है, 6 मिला है, तब जाके 12 है। अब मतलब यहाँ पर चेक करने का सीधा तरीका यह है कि अगर हम सेकंड टर्म T2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा T1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 - 3 कितना आ रहा है, 3। अब देखो थर्ड टर्म T3 - T2 के कितना आ रहा है, 12 - 6 कितना आ रहा है, 6। तो हमारा ये दोनों यहाँ पे 3 है, 3 डज नॉट इक्वल टू 6, बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ए पी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 3 3 3 अगर ऐसा हमारे पास सीक्वेंस आ गया, हम ऐसी बात यहाँ पे देखो दिया है 3 3 3 3 डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे हम अगर ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या पहला टर्म है, ये क्या है दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। तो अगर हम देखें इफ़ A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 हो रहा है, क्योंकि तो 3 में से 3 मिलाओ, माइनस करो कितना 0, फिर 3 में से 3 माइनस किया कितना है 0। इसका मतलब हर जगह से कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है हमारा ए पी में है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होता है ए बी, ये क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जनरल टर्म्स और nth टर्म ऑफ ए पी क्या होता है। ठीक है, जनरल टर्म्स और nth टर्म ऑफ एन ए पी। अब इसको बनाते कैसे, इसको ध्यान से देखिए। अगर हमने पहले टर्म को ए मान लिया, तो दूसरे अगर कॉमन डिफरेंस को हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, तो ए पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D हो जाएगा, क्योंकि D हमारा कॉन्स्टेंट बढ़ रहा है, इसमें हमने D को ऐड किया तो इतना आया, फिर इसमें फिर अगेन D को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, ए प्लस डी, फिर इसमें हमने D को ऐड किया तो कितना होगा हमारा, ए प्लस 2D। फिर अगर इसमें फिर एक D को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2D है, इसमें अगेन हमने D को जोड़ दिया तो कितना बन गया हमारा, ए प्लस 3D। ठीक, इस तरीके से जब हम कंटिन्यू चलते रहेंगे, वैसे हमने क्या देखा कि ए टू टर्म हमको निकालना है, तो ए में हमने कितना जोड़ा है, डी जोड़ा है, मतलब यहाँ पर टर्म क्या है, दूसरा, और डी की संख्या कितनी है, एक कम है। तो ऐसे अगर टर्म की बात करें, एन हमें निकालना है, तो ए तो रहेगा ही, और इसमें डी कितना रहेगा, एन से एक कम, मतलब n-1 × d। ठीक, तो ए हमारा क्या हो गया, कॉमन nth टर्म हो गया, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, कि किसी भी इफ़ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी वी द कॉमन डिफरेंस आर विद, देन इट्स nth टर्म और जनरल टर्म इज गेन बाई tn बराबर a+a+n-1 × d। ओके, अब यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस को हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ए पी में है कि नहीं है, और ए पी में है तो जो पहला टर्म होगा हमारा क्या होगा, a होगा, और जो दूसरे टर्म मतलब डी बराबर निकाल लेंगे क्या, A2 - A1 करके निकाल लेंगे क्या, उसका कॉमन डिफरेंस। और अगर हमें चाहिए A15 चाहिए तो क्या करेंगे, n के जगह पे हम 15 रख के, वो n के जगह पे जो n की वैल्यू दिया है वो पुट करके, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को पुट करके, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू को पुट करके हम वहाँ से उसका nth टर्म निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको हम देख सकते हैं। ठीक, तो ए हुआ, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन ए पी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया है, क्या दिया है, -12 -5 2 9 16 23 30। अब दिया है, तो इसको हमें चेक करना है कि क्या है ए पी में है कि नहीं है। अब ए पी में चेक करने के लिए क्या, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, T1 बराबर कितना है यहाँ पे, -12 है। T2 बराबर कितना है हमारा, -5 है। T3 बराबर कितना है, 2 है। हम तीन टर्म से ही यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ए पी में है कि नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
कि हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने जा रहे हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा कितना है, माइनस फाइव है, माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कितना होगा, माइनस ट्वेल्व। तो हमारे पास माइनस फाइव माइनस माइनस ट्वेल्व। अब ये जो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस फाइव माइनस फाइव एंड प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू कितना होगा, ट्वेल्व माइनस फाइव करो सेवन। तो देखो हमने क्या किया, टी टू माइनस टी वन। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, टी थ्री माइनस टी टू। तो टी थ्री माइनस टी टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी थ्री कितना है यहाँ पे टी थ्री, देखो तीसरा टर्म, तीसरा टर्म क्या है, टू है, टू माइनस टी टू, टी टू कितना है, माइनस फाइव। अब देखो इसको जो ओपन करोगे, टू माइनस अंदर हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कितना, प्लस फाइव। तो टू प्लस फाइव इक्वल टू कितना हो गया, सेवन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख गए कि इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी, टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू दोनों बराबर आ रहा है, हेंस दिस इज अर इन ए पी। अब यहाँ से देखो हम निकाल सकते हैं कौन सा टर्म पूछ रहा है, ट्वेंटी टर्म। तो यहाँ पे एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर ट्वेंटी, ए बराबर कितना दिया है, माइनस ट्वेल्व, और डी बराबर कितना दिया है, सेवन। वैल्यू को पुट कर दो, यही हमारा है, टी ट्वेंटी चाहिए। तो टी ट्वेंटी बराबर कितना हो गया, माइनस ट्वेल्व, मतलब ए की वैल्यू, एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे पुट कर दिए तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, टी ट्वेंटी बराबर वन ट्वेंटी। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि एन टर्म से कैसे और किस तरीके से हम उसका एन टर्म निकाला विद द हेल्प ऑफ ए डी एंड एन। थैंक यू।